Introduction. Respected chairpersons, ladies and gentlemen, first of all, I am very thankful to Dr. Sagar Lavania and Agra Psychiatric Society for inviting me to deliberate on this very important topic, which is also very dear to me. जब डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं कोई बीमारी की बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे वो बातें करूंगा जो आप स्कूल में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए और स्कूल के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि हम क्यों ऐसा करना चाहिए या ऐसा क्यों करना चाहते हैं। WHO के हिसाब से 5 में से 1 बच्चे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर हम अपना इंडियन डेटा देखें तो 6 में से 1 को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ये कहना कि बच्चों में या हमारे स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है तो वो डिनायल हो। सो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो एक तरीका होता है कि जब बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करिए। तो अगर आप हिसाब लगाना शुरू करेंगे तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को प्रॉब्लम है उसके कंपैरिजन में डॉक्टर सही तो इलाज कौन करेगा। तो उससे बेहतर है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि बीमारी का होना कम हो जाए। तो वहां पे आप लोगों का एक अहम रोल होता है, टीचर्स। स्कूल क्यों? स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है। अपने जीवन का एक अच्छा खासा समय बच्चा स्कूल में बिताता है, बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखता है। तो स्कूल का जो एक्चुअली रोल होना चाहिए था एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सिर्फ एक बात पे अटक गया है कि पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, बाकी सब चीजें जरूरी नहीं। तो आप मानते हो कि भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अब हर बच्चा तो टॉपर नहीं होगा ना स्कूल का, क्लास का, सबकी अलग अलग चीजें होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। ये कुछ 5 कोर वैल्यूज मैंने थोड़ा ढूंढ के निकाली, इन पे काम करना चाहिए। केयरिंग फॉर ऑल, सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप्स, सेफ्टी, इंडिपेंडेंस, इन पे आप कैसे काम करो, क्या करो? केयरिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है? अभी क्या होता है, जो बच्चे कुछ 8-10 बच्चे क्लास के अच्छे होते हैं, टीचर का सारा ध्यान उन पे होता है? नहीं, हमें ये मान के चलना है कि सारे बच्चे यूनिक हैं, अच्छे हैं, वैल्यूएबल हैं। ये नहीं कि जो बैक बेंचर है जिसके नंबर खराब आ रहे हैं वो बेकार है, उसकी कोई और स्किल्स होगी जिस पे कि हम ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, वैल्यू देते हैं। स्टूडेंट्स को इक्वालिटी ऑफ फेयर ट्रीटमेंट का आपको प्रमोट करना है, उनकी इंडिपेंडेंट, जो उनके अंदर अच्छाइयां उस पर ध्यान दें। वैल्यू डाइवर्सिटी, जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो अगर कोई बच्चा
पढ़ाई में कमजोर है या किसी बच्चे को स्पेशल नीड्स है, डिसेबिलिटी है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना। अगर इस तरह के बच्चे क्लास में है तो आपको ये प्रमोट करना है कि बाकी बच्चे उनसे सोशली एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। इससे लॉन्ग टर्म में वो सीखेंगे कि सबके साथ में कैसे अच्छे तरह से बिहेव करना, उनकी सोशल स्किल्स बढ़ती। तो डाइवर्स ग्रुप होने से वो एक अच्छे नागरिक बनने में उनकी हेल्प मिलती है कि कैसे कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, सबके साथ में लेके चलते हुए कैसे अच्छा बिहेवियर करते हुए चलना। तो यहां से वो कोर वैल्यूज डेवलप होती है। तो ये चीजें आप स्कूल में कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिलाना, बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना। मैं कोई मुश्किल बातें आपसे करने को नहीं कह रहा, ठीक है। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल को जो प्रेजेंट किया जाता है वो एक डरावनी सी जगह है, तुम्हें स्कूल भेज देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चा खुशी खुशी जाए, वेलकमिंग प्लेस होना चाहिए, नॉट द प्लेस कि जहां बच्चा डरे। बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज होती है जो अगर किसी बच्चे के अंदर है तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। हमारा फोकस होता है इंटेलिजेंस पे नहीं। इंटेलिजेंस उतना बहुत जरूरी नहीं है। एक एवरेज इंटेलिजेंस का बच्चा अच्छी सेल्फ एस्टीम के साथ में अच्छा काम कर सकता है। तो कैसे सेल्फ एस्टीम पे काम करें? एडोलसेंस में उनको क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, लीडरशिप रोल्स प्रोवाइड करें। कोशिश करिए कि क्लास के ज्यादा बच्चों को आप अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व करें, कुछ कुछ काम उनको दे दीजिए। काम कोई बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। बच्चे इसी बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ टीचर ने हमें रिकॉग्नाइज किया और कुछ काम हमसे करवाया। इतना रिकॉग्निशन ही उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए काफी होता है, कोई बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी क्या होता है, आप कुछ जो बच्चे आपको अच्छे लगते हैं कि हाँ ये अच्छा बच्चा पढ़ने में, उसी को काम देते हैं, नहीं और डिफरेंट बच्चों को इन्वॉल्व करो। ज्यादा प्रेज का यूज करना, इनकरेज करके काम करवाना बजाय इसके कि आप डांटते रहो, क्रिटिसाइज करते रहो। थोड़ा सा बस चेंज करना। फॉस्टर कोऑपरेशन रादर देन कंपटीशन। बच्चों में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करवाना, एक दूसरे से वो साथ में लेके चल के आगे बढ़ना, ये भावना पैदा कर। अभी क्या होता है, अरे मेरे नंबर इससे थोड़े कम आ गए, मुझे इससे आगे बढ़ना, नहीं वो नहीं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में लेके आगे चलने की भावना होनी चाहिए, सबको लेके बढ़ना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो आगे काम होता है। सो नॉट द कंपटीशन। कैसे एक अच्छे टीम मेंबर बने, अकेले नहीं दौड़ना, टीम के साथ में काम करो। छोटे बच्चों के लिए जो उनकी अच्छाइयां हैं उसके बारे में एक किताब बना सकते हो, एक एक पेज पे कुछ तस्वीर, कुछ उनके बारे में अच्छी बातें
रिकॉग्नाइज करके लिखी जा सकती। कुछ रोल प्लेस किए जा सकते हैं, जबकि बच्चे सैड होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो अपनी क्या करें उससे निकलने के लिए, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, इस बारे में स्कूल में कोई बात नहीं होता। कोई बच्चा रो रहा है तो और उसे डांट दिया जाता है, क्या रोते रहते हो, नहीं ठीक है। कोई सैड है, कोई डिस्ट्रेस्ड है, उसको एक्नॉलेज करना इमोशंस को, और एक सही तरीका उसको बताना कि आप ये कर सकते। कुछ बीट्स ब्रेसलेट्स होते हैं छोटे छोटे, हर एक बीट को बच्चा रिप्रेजेंट कर सकता है जो वो पसंद करता है अपने बारे में। छोटी छोटी बातें जो आप पेरेंट्स को बता सकते हो, इससे बच्चों की सेल्फ एस्टीम काफी बढ़ जाती है। सेल्फ एस्टीम अच्छी हो तो बच्चा काफी कुछ जीवन में आगे बढ़ सकता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, हम सभी सामाजिक हैं, तो फ्रेंडशिप का डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, पेरेंट्स भी अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों को बताते हैं कि वो क्लास का अच्छा बच्चा है, उससे दोस्ती करना, ये इसका नंबर खराब आता है, इससे मत बात करना। नहीं, ये नहीं सिखाना। फ्रेंड्स अपने आप बन जाते हैं, वो ये देख के नहीं बनते कि ये पढ़ाई में अच्छा है, ये करा है। हम सब ने ऐसे ही पढ़े हुए, ये सिखाना नहीं है। तो कैसे फ्रेंडशिप करें, कैसे ग्रुप में मिल के काम करें, ये बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स के डेवलपमेंट, इन सब में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जिनका आईक्यू 120 130 होता है, लेकिन लाइफ में वो मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, अलग। तो एक ग्रुप की, एक फ्रेंड की हम सबको जरूरत होती है। तो ये स्किल बचपन से डेवलप करना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि आप बच्चों को इस बात पे स्ट्रेस दें। बच्चे हमेशा टीचर को रोल मॉडल लेके चलते हैं। तो जैसा आप मॉडल करेंगे, आपकी बात को बहुत वैल्यू करते हैं। इसमें कुछ चीजें आप कर सकते हैं, जैसे आजकल अब होने लगा है कि बच्चों को ग्रुप में काम दें। जब वो ग्रुप में मिलके काम करते हैं तो उससे ये स्किल्स वो सीखते हैं। रोल प्लेज आप करवा सकते हैं, ये पर्टिकुलर काम करना है, या किसी को फ्रेंड बनाने में मुश्किल आ रही है तो वो कैसे फ्रेंड बनाए। तो जो बच्चे अच्छे हैं, जिनके ज्यादा फ्रेंड्स हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं कि मैं ऐसे कैसे ग्रुप में काम करता हूँ। कुछ ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज देना जो बच्चे एंजॉय भी करें और साथ में करें। तो ये छोटी छोटी चीजें करके बच्चे बहुत सारी स्किल्स सीख जाते हैं। सेफ्टी, सेफ्टी पे तो वैसे भी बहुत फोकस है, लेकिन अभी भी मैं बहुत ऐसे बच्चे देखता हूँ जो बुलिंग की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, या स्कूल नहीं जाना चाहते, स्कूल रिफ्यूजल हो जाता है। तो बुलिंग एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, स्कूलों में। तो ये देखना कि स्कूल एक सेफ प्लेस है, ये इंश्योर करना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए स्कूल की,
इस तरह की चीजों को मैंने अक्सर देखा है कि स्कूल वाले नेगलेक्ट कर जाते हैं, नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को अल्टीमेटली आई एडवाइज द पेरेंट्स कि भाई स्कूल बदल दीजिए, डोंट कंटिन्यू इन द सेम स्कूल। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सेफ्टी के लिए एज आई सेड स्कूल की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए। देन बच्चों को प्रिपेयर करना कि कोई बुली कर रहा है तो उसको हैंडल कैसे करें, उसको इग्नोर करना, उसकी कंप्लेंट करना। बुली को तभी तक मजा आता है जब तक कि जो बच्चा बुली हो रहा है वो उसको टॉलरेट कर रहा है, उसका मजा ही खत्म हो जाएगा अगर वो बच्चा उसको इग्नोर कर दे, वहां से हट जाए। और इस चीज को नोटिस में लेके आए हायर अथॉरिटीज। एज ए टीचर अगर कोई बच्चा इस बात की कंप्लेंट कर रहा है आपसे तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी थ्रेटनिंग बिहेवियर उसको इफेक्टिवली डील करना चाहिए। इंडिपेंडेंस, अभी आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, बहुत सारे काम उनके पेरेंट्स ही कर देते हैं उनके लिए। इंडिपेंडेंस का डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा 18 साल होते ही अचानक उसमें इंडिपेंडेंस आ जाएगी, नहीं, बचपन से ये चीज फॉस्टर करी जानी चाहिए। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एबिलिटीज है। जब मैं देखता हूँ कि बच्चा कॉलेज हो गया वो अपने इंडिपेंडेंटली अपने घर से कॉलेज भी नहीं जा सकता, क्योंकि बचपन से माँ बाप कार से ले जाके उसको वहां तक छोड़ते हैं। अभी उसके अंदर इतनी स्किल नहीं है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके कॉलेज तक पहुंच पाए, या अकेले किसी दूसरे सिटी में ट्रेवल कर पाए। तो ये चीजें ओवरनाइट नहीं डेवलप होती। इंडिपेंडेंस डेवलप करना इम्पोर्टेंट है कि बच्चा, अल्टीमेट एम तो यही है ना कि एक इंडिपेंडेंट गुड ह्यूमन बीइंग डेवलप हो। इस बात पे स्ट्रेस देना, आगे बच्चों को एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना क्लास में, ये काम आपको करना है, ये चीज आपको मॉनिटर करनी है। एंड बच्चों को बीच बीच में फीडबैक देना कि तुम ये अच्छा कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे, इसको ऐसे बेटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। फिर अब आजकल कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं ज्यादा डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करना, डिबेट से एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होती है, पब्लिक स्पीकिंग। मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस अब होने लगे हैं स्कूलों में। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डेवलपिंग लीडरशिप, स्पीकिंग क्वालिटीज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन चीजों को प्रमोट किया जाए। फिर कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूँ स्कूल में, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को मैनेज करना और कुछ चीजों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जो बच्चे ट्रबल में हैं, परेशान हैं, डिफिकल्टीज में हैं, तो वन इज एम्पैथेटिक लिसनिंग, बच्चे की बात को सुन लें, उसको इग्नोर नहीं करें। आपको लग रहा है कि कोई बच्चा परेशान दिख रहा है तो आप पूछ सकते हो उससे प्यार से, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो, वजह है इसके कि वो आपके सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा है तो और डांट लगा दी आपने,
कि तुम आजकल पढ़ नहीं रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी ना, एक बार प्यार से पूछ लीजिए क्या है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है घर में कोई मुश्किल हो, प्रॉब्लम में हो, किसी और दिक्कत में हो, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा। पूछ लेना तो एक सपोर्ट हो जाता है बच्चे को। कुछ रिलैक्सेशन, 2 मिनट की क्लास शुरू होने से पहले बच्चों को डीप ब्रीदिंग करवा दे। कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, 2 मिनट कम पढ़ा लिया आपने, है ना। कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करा दी, हंसा दिया बच्चों को, रिलैक्स होंगे तो जल्दी ग्रास्प कर लेंगे आपने जितना भी पढ़ाया कम टाइम। एकेडमिक सपोर्ट, जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको स्कूल एकेडमिक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें आप ज्यादा पढ़ाना चाहते हो, जो लैग कर रहे हैं वो क्यों लैग कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस पर बात नहीं होती, उनको सिर्फ डांट पड़ती है, तुम पढ़ाई करो, पढ़ते नहीं हो, गधे हो, इन सबसे और सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है। तो जो थोड़ा बहुत कर भी सकता होगा वो भी नहीं कर पाते। तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको सपोर्ट करना है, देखना है कि उसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है इस सब्जेक्ट में, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड कर, कॉन्सिक्वेंसेस, कोई बुरा बिहेवियर कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते, कॉस्ट होती है, वो बच्चे नहीं समझते, वो आपको बताना है कि अगर आपने किसी दूसरे बच्चे के बुली किया, बुरा व्यवहार किया तो फिर आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और बच्चे आपसे दूर हट जाएंगे, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस, उनके एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं ये उन्हें बताना, देन विभिन्न वो सोचेंगे कि यार ये बिहेवियर कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। वो उन्हें कोई नहीं बताता, कोई बुली भी कर रहा है तो उसे डांट पड़ जाएगी, उसकी मार पिटाई हो जाएगी, पेरेंट्स को कंप्लेंट हो जाएगी, वो इफेक्टिव नहीं होता। तो उसकी कॉस्ट क्या है बिहेवियर की, अगर वो आप बच्चों को बताएं उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है तो वो कोशिश करेंगे कि अपना बिहेवियर चेंज करें। फिर कुछ बच्चे होते हैं ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो उसको कैसे आप कंस्ट्रक्टिवली वो बच्चे यूज कर सकते हैं वो उनको सिखाना। अल्टरनेटिव्स क्या है, जो बच्चा ज्यादा एनर्जेटिक है उसे क्लास के ज्यादा काम करें, आपको एक टीचर से दूसरी टीचर के पास कुछ भिजवाना है तो उसी को दौड़ाइए, जाओ ये लेके आओ, तो एक कंस्ट्रक्टिव काम भी करेगा, उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैडम ने डाटा नहीं कुछ काम दे दिया मेरे को, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी और उसकी एनर्जी भी चैनलाइज हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आप बच्चे को, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, आपको मालूम भी होता है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजीज अगर डिवाइस करें तो अच्छा क्लासरूम का आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, डिसरप्शन कम हो जाएगा। रिवॉर्ड में कुछ खास नहीं करना, बस बच्चों को अप्रिशिएट कर देना, ये तुमने अच्छा काम किया, प्यार से पीठ थपथपा देना, इतना काफी होता है। या कुछ छोटे मोटे, जैसे छोटे बच्चों में स्टार और ये सब चीजें अच्छी होती है, घर में लाके दिखाता है, मैम ने स्माइली बनाया है, मैम ने स्टार दिए हैं काम पे, ये चीजें लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होती है।
पेशेंस से कर, वेट फॉर योर टर्न। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। सो टेल देम जस्ट वेट, काउंट टिल 10 इन योर माइंड एंड देन यू स्पीक। कुछ बच्चे आपने बहुत समझा लिया कर लिया तब भी नहीं मानते, रेजिस्टेंट टाइप के होते हैं। सो उनको अगेन समझाना कि इसकी कॉस्ट क्या है जो तुम कर रहे हो, इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो अगर समझ जाएगा तो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। उसके लिए बहुत पनिशमेंट देना, बहुत डांटने से कोई बिहेवियर चेंज नहीं आता। मेक देम अंडरस्टैंड कि उनके बिहेवियर क्या है, क्यों गड़बड़ है और इसकी कॉस्ट क्या है। वहां से आप बिहेवियर चेंज ला सकते हैं। एंगर को कैसे मैनेज करें, सिखाना कि अपनी फीलिंग्स को वर्ड में कन्वे कर, बजाय इसके कि वो रिएक्ट कर जाए एंग्रीली। कोई चीज बुरी लग रही है तो उसको कन्वे कर, वो चीज नहीं हो पाती। किसी का लग रहा है कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है मेरे साथ में, तो लेट हिम से इट कि इसका ये बिहेवियर ठीक नहीं था, बजाय इसके कि वो उससे मारपीट करना शुरू कर दे। ये सिखाना होता है बच्चों को, यू से इट, टाइम आउट। कोई बच्चा आपको लग रहा है क्लास में नहीं बात सुन रहा है, परेशान हो रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए कहीं एक कॉर्नर में कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। इट इज यूजली 1 मिनट फॉर ईच ईयर ऑफ एज, तो काम डाउन कर जाए, बजाय इसके कि आप भी उससे डांटना शुरू कर दें, बाकी बच्चे भी झगड़ा करना शुरू कर दें, आपकी सारी क्लास डिसरप्ट हो जाएगी, सबका मूड खराब हो जाएगा। जस्ट गिव देम टाइम। प्रेज के बारे में ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट कर देना। नॉर्मली क्या होता है कि स्पेशली जब बच्चा ठीक ठाक चल रहा होता है तब उस बिहेवियर पे ध्यान नहीं देते हैं, कहा ये ठीक चल रहा है। एक्चुअली जो बच्चा ठीक कर रहा है उस बिहेवियर को प्रेस करना, अटेंड करना, वो इम्पोर्टेंट है। हम जान देते हैं जब बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तब फौरन ध्यान जाता है, नहीं। जब बच्चा गड़बड़ कर रहा है ना, छोटी मोटी गड़बड़ कर रहा है ना, उसको इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना। जब बच्चा ठीक चल रहा है उस पर ध्यान देना, उसे अप्रिशिएट करना। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करे उस पर आपको अटेंशन देना पड़ेगा, वहां पे आपको रिस्पॉन्स और कॉस्ट की बात करें। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल इग्नोर कर देना तो वो बिहेवियर स्वयं खत्म हो जाता है। ये प्रिंसिपल है बिहेवियर थेरेपी का, जिस चीज पे हम ज्यादा ध्यान देंगे वो चीज बढ़ती है। तो अगर आप नेगेटिव बिहेवियर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस बात को ध्यान, अग्रेशन, अगेन अग्रेशन के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए और उसमें फिर आप डिफरेंट एंगर मैनेजमेंट वाली चीजें, टाइम आउट वाली चीजें और रिस्पांस कॉस्ट की बात उससे कर सकते हैं। अपनी फीलिंग को वर्बलाइज करना, ये चीजें बच्चे को बता सकते हैं।
अग्रेशन कम हो जाएगा, प्लस ज्यादा एनर्जेटिक है तो उसकी एनर्जी को यूज कर लेना डिफरेंट कामों में, तो इस तरह की चीजें कम हो जाती। सर्कल टाइम, सर्कल टाइम एक यूनिक एक्टिविटी है। एक बार में इसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, टॉपिक्स बुलिंग, सब्सटेंस यूज, सुसाइड, डिप्रेशन। इसमें क्या करना है, आपने मैक्सिमम छोटा ग्रुप होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, मैक्स 25 चिल्ड्रन। आपको फैसिलिटेट करना है एक टॉपिक को, लेट द चिल्ड्रन स्पीक देयर माइंड, वो क्या सोचते हैं उन चीजों के बारे में। आपको सिर्फ मॉडरेटर का काम करना है, कुछ कुछ बीच में अगर लग रहा है कि डिस्कशन चल नहीं रहा तो कुछ सवाल बीच में आपने उठा लिए, और इससे बच्चे सीखते हैं कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है। अब बच्चे अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, मैं इस बात से परेशान हो जाता हूँ, घर में ये होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्लास में ऐसा होता है तो मैं परेशान होता हूँ, तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, कैसे वो डील करते हैं। कुछ बच्चे फीलिंग्स को डील करने में अच्छे होते हैं तो वो अपनी स्ट्रेटजीज वो आपने बताएंगे, तो उससे जो दूसरे बच्चे अपनी इमोशन से डील नहीं कर पा रहे वो लर्न करेंगे। इस तरह से एक ग्रुप में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इस तरह की चीजें स्कूल में प्रमोट करी जानी चाहिए। वीक में एक क्लास आप इस तरह का रख सकते हैं। फिर जनरल बातें, हेल्दी न्यूट्रिशन क्या है, क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज, स्पेशली आउटडोर गेम्स जो कि आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, सबको मैं कहता हूँ, मेरा पहला सवाल होता है, घर के आसपास कोई पार्क है कि नहीं है, तो वहाँ ले जाके खेलने दो उसको। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे जो है वो घरों में बंद है, एक्टिविटी के नाम पे टीवी है या मोबाइल है और कोई एक्टिविटी नहीं उनके पास। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज। स्क्रीन टाइम को लिमिट कैसे करेंगे, जब अल्टरनेटिव्स होंगे तभी आप स्क्रीन टाइम को लिमिट कर पाएंगे, अगर अल्टरनेटिव्स नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, फिर बच्चा क्या करेगा। फिर आप बच्चों में देख सकते हैं कुछ अर्ली बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जब आपको कॉशियस हो जाता है, ध्यान देना, रेफरल करना है, सडन ड्रॉप इन स्कोर्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस, काफी अर्ली सिम्टम होता है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का। सडन विड्रॉल, बच्चा अचानक अकेला अकेला रहने लगा, खेलने नहीं जाए, जल्दी गुस्सा हो जा रहा है, इमोशनल हो जा रहा है, रोने लग जा रहा है, ज्यादा लड़ाई कर रहा, सैडनेस, कुछ कुछ अजीब से व्यवहार करने लग रहा, जवाब नहीं दे रहा, जो बच्चा पहले क्लास में सवालों के हाथ खड़े करके जवाब देता था अब नहीं बोल रहा, स्कूल से गायब हो जा रहा, क्लास में सो रहा है, स्लीपी है, टायर्ड है, कुछ बिहेवियर्स रिपीट कर रहा है, एक ही चीज को बार बार बोलना, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स,
जनरली ये थोड़े हिडन होते हैं, पता नहीं लगते, लेकिन कोई और बच्चा आपको बता सकता है कि मैम ये इस लड़की के ना हाथ में छोटे छोटे कट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आजकल. सेल्फ इंजूरियस कटिंग बिहेवियर्स वेरी कॉमन दीज डेज. सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वेट. फ्रीक्वेंटली लीविंग द क्लास कि दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो रहा है. दीज आर सम ऑफ द आइडेंटिफायर्स कि जब आप कॉशियस हो सकते हैं, पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, उन्हें बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे कुछ लग रहा है कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक नहीं. थैंक यू, दैट्स ऑल.